अभी कुछ स्पेशल ट्रेन चालू हुई है, स्पेशल ट्रेन चलाई हुई है। अभी कैसा हो जाएगा, जैसे अहमदाबाद, अहमदाबाद से ट्रेन चेंज किया अपन पहुँच जाएंगे उदयपुर से जाने। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे आप लोग, आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो गाइस आज मैं राजस्थान जा रहा हूँ वापस। तो अभी मैं मुंबई बोरीवली स्टेशन पे खड़ा हूँ। मुंबई से उदयपुर ट्रेन है, मेरी ट्रेन कुछ रात को 12:05 की ट्रेन है और सुबह मुझे तकरीबन 3 बजे तक उदयपुर पहुँचेगी। तो अभी ट्रेन आई नहीं है 11:30 बजे। तो अभी मैं बोरीवली खड़ा हूँ, तो चलते हैं, मिलते हैं ट्रेन आती है तो। गाइस रात की 12 बजे और विरार मुंबई लोकल में विरार की गाड़ियाँ भीड़ देखी है इसमें। गाइस अपने ट्रेन आ चुकी है, डॉट टाइम पे ही आई है। S9 अपना कोच नंबर है गाइस। S9 चलो चलो चलो। Finally guys, ट्रेन में एंटर हो चुके हैं। यही कंफ्यूजन किया हमने। होगी आपको और थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। और मेरा जो सीट नंबर था, मेरा जो टिकट था कंफर्म नहीं था, आरएसी था। ऐसे तो कंफर्म था, आरएसी का मतलब एक ही सीट पे दो जन को अलाउड करते हैं बैठने का। मेरा स्लीपर बुक नहीं हुआ क्योंकि मैंने लेट करवाया और एक प्रॉब्लम हो गई मेरे साथ। प्रॉब्लम तो क्या ही बोल सकते हैं, जो मेरे सामने वाली सीट है जो शेयर है कुछ 21 ईयर्स और कुछ गर्ल है, तो थोड़ी मुझे दिक्कत होगी उनको भी होगी शायद से। लेडी के साथ शेयर करना है तो अलग अलग सीट है, बट वो भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है, तो पूरी रात अभी बैठना पड़ेगा। तो चलिए मिलते हैं कहीं पे सफ़र में। मेरे साथ जुड़िए रहिए, जुड़े रहिए, तो मिलते हैं सुबह। गाइस वहाँ पे रुकी थी गाड़ी, अभी रात के कुछ 2 बजे गाइस वहाँ पे आया है और यहाँ से कुछ और पब्लिक चढ़ी है। काचा ऊंचा चल रहा है इनके। साढ़े 7 बज रहे हैं सभी सुबह के। ऐसे एक सीट थी गाइस, इस पर हम दोनों सोए, हमारे साथ में भैया पार्टनर। बहकी सभी जुबा है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है। अब है जो है वो समा है, तुम रह सके तो रबा है। अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी है। सुबह के 8 बजे और गाड़ी रतलाम स्टेशन पर रुकी, यहाँ पे 10 मिनट रुकेगी। तो यहाँ पर मैं आज मेरे को मंगलवार है वैसे तो, फास्ट है, चाय पी लेता हूँ। अभी गाड़ी सीधा मंदसौर रुकेगी और ये सुबह अभी तो 3 बजेगा मुझे उतरने में।
दो बजे मावन पहुंचेगी और तीन बजे तक उदयपुर। ये गाड़ी वैसे गाइस एक दिन छोड़ती एक दिन चलती है और इसका टाइमिंग भी अलग है वैसे तो मुंबई से, तो ये 12 बजे निकली तो अभी 3 बजे पहुंचेगी उदयपुर और मुझे मावली उतरना तो आधा घंटा पहले ही उतरेगी वहाँ पे। और एक चीज़ कि अभी ये उदयपुर अहमदाबाद जो ट्रेन चालू होने वाली वो ये इस मंथ के लास्ट वीक में चालू होने का बोल रहे, तो उससे हमारा एक्सेस ईजी हो जाएगा ट्रैवलिंग, क्योंकि हम लोग मुंबई से अहमदाबाद आ सकते हैं और एक घंटे की गैप में वहाँ से टिकट रखवा सकते हैं। तो टाइमिंग जो हमारा जो टाइम इतना जाता है, अभी कैसा ये गाड़ी मुंबई से बड़ौदा आती है, बड़ौदा से रतलाम मंदसौर होके पूरा MP में घूम के चित्तूर होके फिर उधर ही पूरी जाती है। तो अभी कैसा हो जाएगा, जैसे अहमदाबाद से ट्रेन चेंज किया देन हम पहुँच जाएंगे उदयपुर से जाएँ। तो मैंने चाय पी लिए, तो अभी चलते हैं, मिलते हैं आगे। रात को थोड़ी इशू हुआ था सोने में क्योंकि अपना सीट कंफर्म नहीं जा रहे से था। अभी रतलाम से ट्रेन निकल चुकी है, अभी टाइम लगेगा, अभी 2:30 बजे तक तकरीबन मैं माहौल पहुँच चुका अभी। तब तक के लिए रात को तबीयत बिगड़ गया था, अभी आराम करता हूँ थोड़ा, बाद में मिलते हैं। सर्दी जुकाम और सर्दी करने लग गया था पूरा। अब तक रात का आठ दिन की गाड़ी चलाया। मंदसौर आया गए तो अभी चाय पीते यहाँ पे उतर गए। मध्य प्रदेश में आते हैं मंदसौर, आज ज़्यादा रुकेगी नहीं तो चाय पी लेता हूँ जल्दी उठ के। चाय पी रहे हैं मंदसौर में, ज़्यादा देर रुकेगी नहीं, 2 मिनट ही रुकेगी। चाय अच्छी है वहाँ से, रतलाम से तो अच्छी जाएगा। पे दोपहर के 11 बजे और नीमच शहर आया है। आग को तबीयत खराब हो गई थी तो अभी अच्छा लग रहा है, सोया नहीं था पूरी रात, अभी थोड़ी नींद आ गई थी मुझे क्योंकि अभी 11 बजे। इंजन की सीटी में मारो मन डाले, चित्तौड़गढ़ फोर्ट गई मुझे थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, आप कैमरे में शायद नहीं दिख रहा होगा। चित्तौड़गढ़ पहुंच गए अभी, यहाँ पे 10 से 15 मिनट रुकेगी गाड़ी। वो देखिए मुझे स्तंभ, चित्तौड़गढ़ पहुंच गया फाइनली गाइस। लस्सी लिया है मैंने यहाँ से गाइस, तो लस्सी पीते हैं। वैसे तो सर्दी हो गई है पर क्या करें, भूख लग रही मुझे और सफ़र में ज़्यादा ही भूख लगती है और मुझे बुखार भी है गाइस क्योंकि आज को तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई थी। अभी कम से कम 2 घंटा और लगेगा अपने को जाने के लिए, तो मिलते हैं। मैं मावली उधर जाऊँगा, उदयपुर से 2 स्टेशन पहले, देन फिर नागौरा के लिए बस पकड़नी पड़ेगी, तो बाद में बताता हूँ ये सब सीन। तो अभी लस्सी पी लेते हैं, चलिए। लस्सी अच्छी है गाइस, कभी भी आए चित्तौड़गढ़ तो आप लस्सी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एक्सेप्ट नहीं करता इतनी अच्छी होगी पर बहुत ही बढ़िया है लिटरली गाइस, मज़ा आ गया। लोग पटरी क्रॉस कर रहे हैं, ऐसी गलती कभी ना करें। अगर थोड़ा लेट हो जाता है तो उसको कोई इशू नहीं है, बट ऐसी गलती मत कीजिए, ये रिस्क है अपनी ज़िंदगी के साथ, ऐसे मत खेलिए। और अभी ये ट्रेन रवाना होने वाली है और देखिए लोग। अभी इसके बाद लास्ट स्टेशन है मेरा उतरने का मावली स्टेशन, और उसके जस्ट 2 स्टेशन बाद उदयपुर आएगा। अभी दोपहर के 1:30 बजे और 8-10 मिनट में कुछ मावली स्टेशन आ जाएगा। फाइनली गाइस मावली पहुंच गए हैं, ये आगे स्टेशन है, अपना बैग भी रेडी है, पीटर इंग्लैंड ये मैं मावली जंक्शन। फाइनली गाइस अपनी मंजिल आ चुकी है बहुत स्ट्रगल करने के बाद, सुनसान दोपहर का टाइम है, कोई नहीं है स्टेशन पे।
एग्जिट। तो गाइस फाइनली गाइस बहुत स्ट्रगल भरे सफर से मावली पहुंच गया। उसके जस्ट दूसरे स्टेशन बाद उदयपुर है, बट अभी मुझे नादवारा जाना है तो मैं कहीं से बस पकड़ के नादवारा जाऊंगा क्योंकि मेरा गांव वो साइड ही है। अगर आपको नादवारा आना रहेगा तो आप मावली उतरिए, आपको इजी गिरेगा। वैसे तो उदयपुर से भी इजी गिरेगा, पर आपका टाइम बच जाएगा कि आपकी आधे एक घंटे उदयपुर जाने में लगेगी, देन फिर वहाँ से आपको बस पकड़नी पड़ेगी। तो अभी चलते हैं, बाहर चलते हैं, बस में बैठते हैं, फिर बात करते हैं। इतनी धूप है गाइस, फिर भी मुझे ऐसा धूप नहीं लग रही क्योंकि मुझे बुखार है तो ठंड लग रही है। और अभी यहाँ से मुझे बस ढूंढनी पड़ेगी, यहाँ सब तो कार है प्राइवेट, मैं बस से जा सकता हूँ तो नादवारा के लिए बस ढूंढता हूँ। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए, कमेंट करके बताइए कैसा लगा वीडियो। चलते हैं बाय। हमारी फेवरेट गाड़ी में जाएंगे, ओमी नहीं वैन। सफर ये एक्सपीरियंस अलग ही रहेगा। 15 साल पहले बैठा था वैन में और आज बैठा हूँ।